नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूवज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इट अटेन्स अ वेलॉसिटी ऑफ वी नॉट मीटर पर सेकेंड इन एन नेथ राउंड इट्स एंगुलर एक्सलेशन विल भी अपने को भी बताना है कि उसका एंगुलर एक्सेलेशन क्या होएगा। ना uh, इस केस में पार्टिकल है अपने को दिया हुआ है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और एंगुलर एक्सेलेशन बताना है इस केस में ठीक so, है सो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है लेटस से uh, जब वो यहाँ पे मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हो गई आफ्टर एन राउंड हो गई वी नॉट सो आफ्टर एन राउंड डिस्प्लेसमेंट होएगा टू बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एन ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो वहाँ से ओरिजिनल लोकेशन से उसका सॉरी दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल जितना उसने वहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहाँ पे वेलोसिटी हम थर्ड फार्मूला यूज़ करके न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके वी कैन से यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू यू की जीरो है बिकॉज uh, पार्टिकल आपका रेस से दिया हुआ है एग्जैक्टली exactly दिया नहीं है सवाल में बट वी कैन वेरी वेल easily assume दिस बिकॉज अदरवाइज भी नहीं दिया है हालांकि सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक्सोलेशन ए विल भी इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एस वैल्यू रखने पे हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी ए तो उधर चला गया टू एस एस की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी मल्टीप्लाइड बाई टू पाई आर एन टू एन सो ये सॉल्व करके आ गया वि नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई आर एन नाव ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है आपकी एक्सेलेशन की हमसे पूछा एंगुलर एक्सेशन यहाँ मैंने जो नोटिस किया स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस तरह के सवालों में कि उनका एक ये आंसर आया ऑप्शन नंबर अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑप्शन नंबर आई गेस ऑप्शन नंबर डी इज एग्जैक्टली द सेम तो यहाँ पे फटाफट उसको मार करके आगे बढ़ जाते हैं नाउ हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सवाल में पूछा क्या है ये आपका एक्सेलेशन है इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमसे पूछा है एक्सेलेशन एंगुलर एक्सलेशन सो उसके में वी कैन से एंगुलर एक्सेशन विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर बिकॉज वी नो ए इज इक्वल टू आर एल्फा होता है सो so, इसको आर से डिवाइड करके अपना एंगुलर एक्सेलेशन आएगा सो एल्फा विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर एंड ये अपना एक्सेलेशन होएगा इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर सो हेंस Option number C would be the right answer.